वेलकम टू मारुति सुजुकी डांस इंडिया डांस सीजन 3 लाइमलाइट। पिछला हफ्ता डीआईडी परिवार के लिए रहा बहुत ही खास। 100th एपिसोड, माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। 100 बार हमें स्टेज पर जाकर ये एपिसोड शूट कर चुके हैं। जा 100 एपिसोड, जितना सचिन तेंदुलकर के सेंचुरी के लिए इतना वेट नहीं किया है, उतना आज के दिन का वेट कर रहे हैं हम सब। और होपफुली इट्स गोना बी रॉकिंग। डीआईडी का 100th एपिसोड एंड वैरायटी ऑफ म्यूजिक एंटरटेनमेंट है एंड एवरीबॉडी इज जस्ट ऑन द टोस टू जस्ट हिट द फ्लोर। बहुत खुशी हो रही है इतने सारे साल इस शो पे बिताकर। मैं शुरू से इस शो का एक हिस्सा रहा हूँ, डीआईडी 1, डीआईडी 2 और डीआईडी 3 अभी। सो ऑल द बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। अब मुझे जाना है बाहर। 100th एपिसोड है, बहुत 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 सारा तामझाम है, बहुत सारा काम है, सारे के सारे पागल हुए। 100 एपिसोड, ये भी पागल हो गया है, देखो। ओके बाय। Yeah, very excited. हमने तो ये नहीं, हमने सोचा कि डांस के जरिए हम खुशियां बांटेंगे, लेकिन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में चले जाएंगे, 100 सेंचुरी बना लेंगे, कभी सोचा ही नहीं। So episode. I feel very proud. डर महसूस होता है क्योंकि when we started off, went with a clean heart and said let's work our magic, काम करेंगे, देखते हैं क्या होता है, और जो फल मिला है उसका। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ी सेलिब्रेशन आप लोगों की है क्योंकि आप लोगों ने ये चलाया है। करेक्ट। सो हमारे साथ प्लीज आप लोग भी, आप भी जश्न मनाइए। केक नहीं तो जो भी पराठे वराठे खा रहे हो उसको मजे लेके खाओ। 100 एपिसोड्स always pray that हमारी जो ये तिगड़ी है ये हमेशा सलामत रहे, एंड जो प्यार सीजन 1 में शुरू हुआ था, आई होप दिस स्टेज फॉरएवर। थैंक यू सो मच। तीनों मास्टर्स की सोच और तीनों सीजंस के डांसिंग स्टार्स की मेहनत, 100th एपिसोड का सेलिब्रेशन है इन्हीं की बदौलत। इस बार हमारे डीआईडी में एक तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि डीआईडी 1 और डीआईडी 2 के कंटेस्टेंट्स हमारे साथ परफॉर्म करने आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक मौका है हमारे लिए क्योंकि हमारा 100th एपिसोड हो रहा है, डांस इंडिया डांस का 100th एपिसोड, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घर से हमें बुलावा है। जिस शो ने हमें बनाया उसका रीयूनियन हो रहा है, इट्स अ फैमिली साथ में आ रही है एक ही मंच पे फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, बिकॉज इस स्टेज से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। हम जो सीजन 3 के कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वेल, हमारे सीनियर्स आ रहे हैं। आई थिंक पहली बार मैं गीतान की टीम में परफॉर्म कर रही हूँ उनके साथ, और वो भी जो मैंने जो आज तक वो स्टाइल नहीं किया है, लावणी। अभी तक जितना भी हम लोगों ने एक साथ रिहर्सल किया, काफ़ी मस्ती किए, बहुत बहुत सपोर्टिव है। भावना खंडूजा के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि वो एक ट्रेंड डांसर है, बैले ट्रेंड है, तो मेरे साथ पेड है, तो मुझे थोड़ा सा इजी हो रहा है उनके साथ कम्युनिकेट करने में, क्योंकि जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ, जो मैं टेक्निक का नाम लेता हूँ, तो वो उनको भी पता होता है। सनम एज अ पर्सन वेरी हम्बल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट, बहुत ही फोकस्ड है वो डांस को लेके, हंसी मजाक भी करता है, कभी कभी टीज भी करता है, बट वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल है। डांस तो सब कर लेते हैं, बट जो एक एक्स फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ कुछ लोगों में होता है, जो कुछ लोगों में था, कुछ लोगों में है, और राघव में वो चीज़ है। मुझे लगा था मैं थोड़ा सीरियस होगा और मेरे को उसका थोड़ा मजाक नहीं करके और थोड़ा कम हो करके चलना पड़ा, लेकिन वो तो मेरे से भी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा हंसी मजाक चलती है हमारी कि हंसी मजाक में पूरा पूरा कोरियोग्राफी हो जाती है। दिस टाइम आई एम परफॉर्मिंग विद प्रदीप एंड स्नेहा, हु आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। आई एम गेटिंग टू डू एन एरियल एक्ट ऑन अ वंडरफुल सॉन्ग। फाइनली
फाइनली DID 3 में मुझे मेरे जैसे फ्लेक्सिबल एक लड़की मिली और मेरे से थोड़ी ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, तो बहुत कंफर्टेबल फील किया मैंने इनके साथ। मैं कितना लकी इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिंस के साथ डुएट किया मैंने जो, मैं भी अपने आप को इतना लकी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं राघव के साथ डुएट परफॉर्म करा है मैंने। इट वॉज अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टफ फॉर मी बिकॉज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सच ग्रेट मास्टर्स हु हैव सीन सो मेनी परफॉर्मेंसेज ऑफ माइन एंड दादा, मतलब ऐसा आई एम रियली वेरी वेरी इमोशनल, सो आई एम गोना आस्क प्रदीप टू टॉक अबाउट इट। शक्ति के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, अगर नहीं बोला तो वैसे जाया जाएगा, बिल्कुल उनके अंदर ईगो नहीं है, कुछ घमंड नहीं है कि मतलब मैं विनर हूँ। तो जैसे मास्टर ने कहा कि इनसे तो सीखना चाहिए, मैं बहुत कुछ सिखाऊँ। ये जो लड़की खड़ी है ना उसको मैं सीरियसली बोलना चाहूँगा कि शी इज़ द बेस्ट। हम लोगों के साथ मैच करना टाइमिंग बहुत डिफिकल्ट और कम समय में किया सर, और गॉड ब्लेस यू। सब जजेस को बहुत ही अच्छा लगा हम दोनों परफॉर्मेंस, और स्पेशली आई थिंक अभी ये बहुत ही तारीफ हुई है कि इसने बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन दिए। अगर ये एक्ट में भावना का साथ नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। दुनिया किसी भी स्टेज पे आप परफॉर्म कर लो और DID स्टेज पे परफॉर्म करो, सो ह्यूज डिफरेंस। सो बहुत मज़ा आया। जितनी बार भी बुलाएंगे सीज़न 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी रहेंगे, जब भी जितना भी सीजन रहेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे वापस बार बार बुलाएं और मैं परफॉर्म करूँ।